दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि द स्टूडेंट लाइफ चैनल का नाम है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आप ही के लिए चैनल है। हम सब्सक्रिप्शन के लिए पहले नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार से बोल रहे हैं। हमें आपकी आवश्यकता है, सही में आवश्यकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं आज जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप BHU में एडमिशन लेते हैं, UG, PG, NET, JRF, तो आपको किस प्रोसेस से गुजरना होगा हॉस्टल लेने के लिए। अगर आप हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप कहाँ रहेंगे। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। जब आप इस यूनिवर्सिटी में आएंगे, एडमिशन लेंगे, अगर मान लीजिए आप UG में एडमिशन लेते हैं, तो UG में ढेर सारे लोग एक साथ एडमिशन लेते हैं, तो उतना हॉस्टल होता नहीं। सिर्फ इतने में से इतने लोगों को हॉस्टल मिलता है, तो उतने लोग जो टॉपर होते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनको फुल हॉस्टल मिल जाता है, उनको बाहर रहने के लिए नहीं बोला जाता, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट लगभग 24 देश से लोग BHU में पढ़ने आते हैं। तो वो इंटरनेशनल हाउस कॉम्प्लेक्स, एक ये देख लीजिए, एक नया है और एक पुराना उधर है, लेकिन हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अगर हम बात करें कि अगर BHU में आपको हॉस्टल मिलता है तो कितने लोगों को मिलता है, क्या फ़ीस होगी, लगभग ग्रेजुएशन के लिए जो फ़ीस क्राइटेरिया है वो 4750 रुपये, 4750, इतना है। और लगभग ये डिफ़र करता है, कहीं में 1000 ज़्यादा है, कहीं में 1000 कम है, लेकिन ये इतना क्राइटेरिया है। 4000 से लेकर के 6000 तक आपका फ़ीस लग सकता है। और अब ग्रेजुएशन की मैंने बातें बताई, अब मास्टर्स में कितना फ़ीस लगता है और कौन सा हॉस्टल मिलता है। तो जितने भी लोग हैं, आप MBA कर रहे हैं BHU से, आप BA कर रहे हैं, आप MA कर रहे हैं, आप BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, MTech कर रहे हैं, या फिर BTech कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप BHU में एडमिशन खास करके ले रहे हैं, तो एक चीज़ जान लीजिए कि सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा तो क्रीम लोगों को हॉस्टल मिलेगा, और क्रीम लोगों ने हॉस्टल ले लिया तो एक हॉस्टल में 2 लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक हॉस्टल में 4 लोग या फिर एक हॉस्टल में 1 लोग को रखा जाएगा, एक हॉस्टल के रूम में सिर्फ 2 लोग रहेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, बचे लोग छात्र कहाँ रहते हैं। बचे छात्र BHU का एक बहुत बड़ा बाउंड्री, जैसे ये सर्कल है ना, एक पूरी बाउंड्री है BHU, उस बाउंड्री के 5 मेजर गेट हैं, लंका गेट, छित्तूपुर गेट, सुसवाही, हैदराबाद गेट और सीर गेट, या फिर आप नरिया गेट, या फिर आप करौंदी गेट, लगभग इतने गेट हैं। आप उन गेट के बाहर जाएंगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा, आपको लॉज मिलेगा, आपको रूम मिलेगा, आपको खाने का रहने का सुविधा एक साथ भी मिल सकता है, या फिर सिर्फ रहने का सुविधा मिलेगा, खाना आपको खुद बनाना होगा। अब खाना खुद बनाना होगा तो कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम BHU हॉस्टल में बैठ के खाना खा सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर BHU के छात्र हैं तो BHU हॉस्टल में आइए, कभी कभी IIT में भी चले जाया करिए, देखिए कोई भगाए तो ठीक है, नहीं तो आप खाइए, पूरा विश्वविद्यालय आपका है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो सशक्त बनिए और टाइट रहिए, यहाँ पे अच्छे से खाइए पीजिए। एक मतलब लगभग मैं आपको बता दूं कि एक थाली का खाना 50 रुपये है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्टल में आइए, खाना पीना खाइए और अपना समय बचाइए, पढ़ाई करिए। BHU में 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है, साइबर लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर मिलता है, 2-3 घंटे के लिए बंद होती है साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन आप जा सकते हैं वहाँ पे। आप जाइए, रात भर पढ़ाई करिए। और मैंने आपको बताया कि बाहर रहिए, बाहर रहने में कितना खर्चा आ जाता होगा। लगभग मिडिल क्लास परिवार, जो जिसके पिताजी किसान हैं या फिर छोटी मोटी जॉब करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें अलग हैं। कई लोगों का खर्चा तो 50,000 रुपये महीना भी है, और कई लोगों का 30,000 है, कई लोगों का 6,000 भी है, कई लोगों का 5,000, 4,500 भी है। तो जैसा आप खोजेंगे आपको वैसे लोकेलिटी में रूम मिलेगा, वैसा खाना मिलेगा। अगर आप रोज़ भाई नॉनवेज खा रहे हैं, रोज़ पनीर खा रहे हैं, रोज़ हैवी चीज़ें खा रहे हैं, सऊदी अरबिया से आपका डिश आ रहा है, तो वाकई में आप पैसे आप ज़्यादा पे करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल जैसे विद्यार्थी रहता है, छात्र रहता है, वैसे आप रहें, तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल सिचुएशन में 5 से 6 हज़ार में अपना पूरा महीना काट सकते हैं। BHU में पढ़ने का बहुत कम फीस लगता है, लेकिन रहने का खाने का बहुत पैसा लगता है। और ये BHU में ही नहीं, हर जगह आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे, महंगाई बढ़ गई है। तो माता पिता को भी समझना चाहिए, थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, खर्चा बढ़ गया है, तो उस चीज़ को मापदंड को एक तैयार करना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो कितना पैसा खर्चा करेगा एक महीने में। अगर आप BHU में नए नए आते हैं तो ढेर सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, तो आपको सारा दुकान शॉप एकदम सब कुछ मिल जाएगा। और BHU एक बहुत बढ़िया पढ़ने की जगह है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि DU बेकार है, JNU बेकार है, और भी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बेकार हैं, लेकिन इस बार CUET के हिसाब से BHU का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा गया है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 400 में से 352 नंबर, कम नहीं होता है 352 नंबर, 352 आउट ऑफ 400, तो ऐसे कट ऑफ जनरल के गए हैं BHU में। और भी जितने भी कट ऑफ हैं 2022 के, वो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा,
और बात करें कि BHU कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या लोगों को यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे आइए, पढ़ाई करिए। और भी कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा सवाल है जो बहुत ही विचित्र है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी हम सराहना करेंगे और उसको नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा एक सार था कि हम BHU में आते हैं, हमें हॉस्टल मिलता है या फिर हमें हॉस्टल नहीं मिलता है, तो हम कहाँ रहेंगे, कितने लोग एक हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रूम का खर्चा कितना पड़ता है, और ये सभी पूरे BHU कैंपस की बात कर रहा हूँ। IIT और मेडिकल में फुल हॉस्टल मिलता है, लेकिन और सभी सब्जेक्ट में फुल हॉस्टल नहीं मिलता है। लड़के बाहर रहते हैं और बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। बाहर की लाइफ हम आपको जल्दी ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि लड़के बाहर कैसे रहते हैं, कितना मेहनत करते हैं लड़के, किस सिचुएशन में रहते हैं और क्या खाते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे जीवो पालन करते हैं। तो अर्न बाय लर्न का भी कुछ सिस्टम है, आप यहाँ पढ़ते पढ़ते कुछ कमा भी सकते हैं अगर आपके पास हुनर है तो, जैसे आप हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप पेंटिंग से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो ढेर सारे एक्सपोजर हैं आपको। BFA के भी हमने विजुअल आर्ट्स फैकल्टी पे भी हमने काम किया, तो हमें कुछ ऐसा ज्ञान मालूम चला। तो पूरा ये मैंने आपको बता दिया कि BHU में रहने खाने का कितना खर्चा आने वाला है, और सभी हॉस्टल्स के नाम, BA आर्ट्स को कौन सा हॉस्टल मिलता है, सोशल साइंस कौन सा मिलता है, BSc एग्रीकल्चर, बीटेक वालों को तो खैर मिलता ही नहीं है। 2022 में BTEC एग्रीकल्चर डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनको हॉस्टल नहीं मिला है। 2021 में बैच आया है, 2022 में नहीं, तो अभी तक नहीं मिला है, आगे मिलेगा। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो ये है पूरा BHU के अगल बगल रहने का और BHU में अंदर रहने की सुविधा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और जय हिंद, जय भारत।